हाय फ्रेंड्स, वेलकम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूडी हम दिल से। तो आज हम आए हैं अहमदाबाद आनंद नगर में और हम आए हैं अर्बन वड़ा पाव के यहाँ पे, जहाँ पे फेमस वड़ा। तो आइए चलिए देखते हैं। चलते मिलिए इनके ओनर से। हाय सर, नमस्ते। आपका नाम? यहाँ के ओनर कौन है? नहीं। ओके, तो कितना टाइम हो गया आपको ये फ्रेंचाइज खोल के? गुजरात में पहली है। ओके। मार्च में COVID-19 लॉकडाउन से पहले ही जब ओपन किया था। ओके। उससे पहले हमारी दिल्ली में एक, कानपुर में दो फैसिलिटी चल रही है। ओके। तो अभी ये एक्सपेंशन का कर रहे हो। तो ये कितने मतलब है आउटलेट्स आपके? 4 है। तो जैसे आप देख सकते हैं इनके 4 आउटलेट्स हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि इनके क्या क्या फेमस है यहाँ के बारे में। तो सर, आप मुझे बताएंगे कि आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं और कैसे आप सब डीलिंग करते हो? वी हैव एसोसिएट पार्टनर्स लाइक सप्लाई फॉर ब्रेड, पाव्स, ओके, एसेसरीज एंड ड्रिंक्स एंड ऑल। ओके। So they frequently supply for requirement. So आप home delivery को अगर सब करते हैं किस पे? Yeah, we have a link, we have a tie-up with the Swiggy, Zomato. Okay. We also take order on calls. Okay. So आपके क्या timings रहेंगे जैसे कि? Timing अभी जब तक कोरोना का lockdown और restricted rules regulations applicable हैं, जब तक हम लोग रात को सुबह 11 से रात के 9 बजे तक खोल रहे हैं। पोस्ट कोविड जब रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, देन इट विल बी रन फ्रॉम मॉर्निंग 11 टिल मॉर्निंग 4। ओके। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे कि कोरोना के वजह से आपको सिर्फ 11 से 9 तक ही मिलेगा, और आफ्टर कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा तो ये 11 AM से लेके नेक्स्ट 4 AM तक आपको मिलेगा। और प्रोसेस आपका डिलीवरी का कैसे है? डिलीवरी स्विगी से कर सकते हैं, जोमेटो से कर सकते हैं, यहाँ पे आके हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, आप इनके साथ भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप पॉसिबल है तो लाइक आप स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हो या आप जोमेटो से भी इनकी डिलीवरी पहुँच सकती है आप तक। स्पेशलिटी नॉर्मली पीपल के दिमाग में होता है कि वड़ा पाव मतलब एक पाव लिया, हाँ, उसमें एक पकौड़ा रख दिया आलू का, वो वड़ा पाव हो गया। वी हैव टोटल 16-17 टाइप्स ऑफ वड़ा पाव जो अलग अलग टाइप की रेसिपीज के साथ हैं, जो सिर्फ आपको अर्बन वड़ा पाव में ही मिलेगा। ओके, सो चलिए जानते हैं इनके बारे में और स्टे ट्यून। आपको हम दिखाते हैं हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, एंड देयर इज नो hidden thing, even customer can go inside and check the quality, hygiene and how we prepare. Okay. There is total transparency. तो आइए चलिए किचन जाते हैं इनके और देखते हैं कि कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं। चलिए आइए। कवन, तो आपने तो बॉम्बे का वड़ा पाव तो खाया ही होगा, तो चलिए आज हम अहमदाबाद सिटी में आके वड़ा पाव चेक करते हैं। इनके 16 टाइप्स के वड़ा पाव हैं। और पहली बात, जो ये टिक्कीज़ आप देख रहे हो, ये टिक्कीज़ इन लोग बनाते हैं और फ्रोज कर देते हैं, बट ये रेगुलर बनता है, ये वापस से रिपीटेड नहीं होता है, फ्रेश बन के फ्रेश वो फ्रोज कर देते हैं। तो जो भी टिक्कीज़ आप फ्लेवर, इनके पास 16 फ्लेवर्स है, तो अलग अलग सॉसेज और टिक्कीज़ भी उनकी अलग अलग रहती है, तो हर एक फ्लेवर का अलग टिक्की बनता है। तो आइए चलते देखते हैं। तो सर, ये आप कौन सी फ्लेवर्स बना रहे हो भैया? अभी आपको बॉम्बे वड़ा पाव है और आलू टिक्की वड़ा पाव। चलिए आज देखते हैं बॉम्बे वड़ा पाव पहले। ओके सर, तो ये फ्राई हो रहा है अभी। हाँ, बेसिकली हम लोग इसको बना के फ्रोज इसीलिए करते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। ओके। फ्रेश बनाएंगे, जो टिक्कियाँ हैं वो तुरंत के तुरंत बनाएंगे, तुरंत उसके ऊपर लेप चढ़ाएंगे और फिर फ्राई करेंगे, तो उतना जल्दी वो चीज़ नहीं आ सकता। ओके ओके। तो इसीलिए हम लोग डे वाइज एक दिन पहले बना के ऐसा रख के पूरा फ्रोज करते हैं और फिर उसके बाद ऐसा करते हैं। तो ये फ्रोजन कितने दिन तक रह सकता है मैक्सिमम? रहने को अगर आप डीप फ्रीजर में रखते हो तो 3-4 दिन रह सकता है, बट हम इतना ही स्टॉक बनाते हैं कि मेरा एक दिन में कंज्यूम हो जाए। ओके ओके। बॉम्बे, ये बॉम्बे वड़ा पाव बन रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं ये मसाला है इनका।
और ये खुद बनाते हैं और ये खुद ही सब सर्व करते हैं, इनका खुद का ही है, कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगे, देख सकते हो ये पूरा फ्राई हो चुका है। तो ये अब हो रहा है थोड़ा सा रेडी, देख सकते हो बॉम्बे में आपको जस्ट रेडी करके देते हैं, पर यहाँ पे ग्रिल्ड करके आपको वड़ा पाव मिलेगा। फ्राइज हो रहे हैं अभी, हमारे कस्टमर हैं तो इनसे हम पूछते कुछ क्वेश्चंस। तो सर आपका नाम बताइए। मैं संजय, मैं एक्चुअली आई एम मुंबईकर, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड वड़ा पाव एंड आई फाउंड इन मार्च मंथ स्पेशली हियर। I visited once with my kids, I mean with my family, yeah, and yeah. They love this chili garlic cheese sandwich, okay. Especially cheese Maggi. And I like Bombay, and especially now Ahmedabad vada pav, the way they cook, it's very easy, very okay. Nice, very nice, delicious. तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं भी खुद बॉम्बे से हूँ, तो जैसे ये बता रहे कि ये खुद बॉम्बे से, तो यहाँ का जो वड़ा पाव है इतना फेमस है कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। प्लीज आप डू विजिट करिए अर्बन वड़ा पाव। तो फ्रेंड्स चलिए आइए करते हैं टेस्ट इनका अर्बन वड़ा पाव। और व्यूवर्स को आपके चैनल के एक बार आए टेस्ट करें, माइंड उनका चेंज होगा कि वड़ा पाव नॉट जस्ट अ वड़ा एंड पाव, इट्स समथिंग डिफरेंट इन दिस टाइम ऑफ वर्ल्ड। सर प्लीज आपका एड्रेस बता दीजिए अगर किसी को आना हो तो। इट्स वेरी इजी, ये आनंद नगर रोड है, सालवी सालवी वुमेन्स हॉस्पिटल के सामने, या फिर दूसरा लैंडमार्क है सेल पेट्रोल पंप, जस्ट टेक लेफ्ट, यू विल फाइंड अर्बन वड़ा पाव। प्लीज वॉच दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा आपका वड़ा पाव, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।